अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, एक एक उम्मती की मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत तेरे दरबार में हम कसूरवार हैं और हम आपके पास दरबार में इकरारी मुजरिम हैं। ए मौला हमको अपने जुर्मों का इकरार है, हम तेरे दरबार में इकरारी मुजरिम हैं। ए अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा दे, पूरी उम्मत की पूरी मगफिरत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क मोहम्मद वाली विशेष नहीं करा। रायमंड तीन रोजा तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर। मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने इख्तितामी दुआ करवाई। इख्तितामी दुआ में हजारों अफराद ने शिरकत की। अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से माफी, कोरोना वबा से भी निजात के लिए दुआ, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और कामयाबी के लिए भी दुआ में खुसूसी तज़किरा। इख्तितामी दुआ के बाद इज्तिमा के शुरका का इनखला जारी। इज्तिमागाह जाने वाले रास्तों को बंद नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी एहतमाम किया गया है। SP, 4 DSP समेत 400 ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं। CTO बोले, लाहौर से ड्राइविन ट्रैफिक रवा दवा है, गुज़िश्ता बरसों की तरह इस मरतबा रोड को बंद नहीं रखा गया। तोड़फोड़ हंगामा आरई का केस, MP ख्वाजा इमरान नजीर को जिला कचहरी पेश कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नजीर को चूम पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। पुलिस की जानिब से एक रोजा रिमांड की इस्तदा की गई। कल MPA ख्वाजा इमरान नजीर को ATC पेश किया जाएगा। MPA ख्वाजा इमरान नजीर की गिरफ्तारी पर थाने के बाहर एहतजाज का मामला। थाना चूं के बाहर एहतजाज करने पर एक और FIR दर्ज। FIR में अतालो तारड़, सैफुल मुल्क खोकर नामजद, सायरा तारड़, फैसल खोकर, महर इश्तियाक, ख्वाजा आसिफ नजीर भी नामजद, नफीसा बीबी, समीउल्ला खान, बीबी वडेरी और दीगर का नाम शामिल। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। शुजात हुसैन की तबीयत पहले से बेहतर है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शुजात हुसैन लोगों को पहचान और बातें कर रहे हैं। चौधरी शुजात ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो चुका है। चौधरी शुजात ने अस्पताल के अमले को बुलाकर इशारे तशक्कुर किया। चौधरी शुजात की आयादत के लिए अहम शख्सियात का आमद का सिलसिला जारी। फयाज़ हसन चौहान, चौधरी मुनस इलाही ने आयादत की। खतीब बादशाही मस्जिद, मौलाना अब्दुल कबीर आजाद भी मिजाज कुर्सी के लिए पहुंचे। मौलाना जुबैर अहमद जही समेत दीगर ने भी आयादत की। आने वालों की जानब से चौधरी शुजात की जल्द से इतियाबी के लिए दुआ। कोरोना की कीमतों में आए रोज इजाफा मामूल बन गया। महंगाई के मारे शहरी परेशानी में मुब्तला। दर्जा अव्वल 16 किलो घी का कनस्तर 60 रुपए महंगा हो गया। 3 किलो घी की कीमत 230 से बढ़कर 235 तक पहुंच गई। CNG गैस की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई। 3 किलो कीमत 79 रुपए 20 पैसे हो गई। शहर में फजाई आलूगी के बादल गहरे हो गए। स्मॉग बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। नवंबर के वक्त में मौसमियाती तब्दीली से सूरत हाल बेहतर होगी। जल्लो, बंदरोड, मसंग, सगियां, डिफेंस आलूदा तरीन इलाकों में शामिल। पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले भट्टे भी बंद करवा दिए गए। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस, वादा माफ गवाह बनने वाले शाहिद रफी का बयान मंजर आम पर आ गया। शरीफ फैमिली के लिए 24,30,145 डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ। कासिम कयूम शरीफ फैमिली के लिए तरसीलात का बंदोबस्त करता था। रकम नुसर शहबाज, हमजा सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल की। शाहिद रफी का एतराफी बयान। सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों में कमी ना आ सके। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों में इजाफा। हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 3,500 से तजावज। 16 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें कल समाप्त के लिए मुकर्रर। अदालती अहकामात नजरअंदाज करने में महकमा पुलिस पहले नंबर पर। प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा लेने के लिए इजलास। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने सदारत की। सूबे में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गिरा फरोशी पर एक हफ्ते में 194 अफराद गिरफ्तार, 188 मुकदमा दर्ज किए गए। चीफ सेक्रेटरी को इजलास में ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी की चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रहीम स्टोर की जानिब से सारफीन पर इनामात की बरसात। इकबाल टाउन ब्रांच पे रबीउल अव्वल की 21वीं कुरंदाजी की गई।
चार खुश नसीबों को बसडिया कुलंदाजी उमरे के टिकट दिए गए। हाजरीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मोहम्मद जमील मुगल और मोहम्मद अमीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। और पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का 59वां इजलास कल होगा। चेयरमैन पीसीबी इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। गवर्निंग बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जायजा लेगा और इस शुदा अकाउंट्स की मंजूरी दी जाएगी।